अगर आपको या आपके अपनों में से किसी को पहले कोविड हो चुका है तो जरा ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आप कोरोना से पूरी तरह ठीक हो भी गए हो तो भी आपको अपना ख्याल अच्छे से रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से खतरे के बाहर हैं, क्योंकि आप जितने समय तक कोरोना के प्रभाव में रहे उतने समय तक उस वायरस ने आपके शरीर की इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिसका लंबे समय तक आपकी सेहत पर असर दिखाई दे सकता है। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कई बार उनमें ठीक होने पर भी कुछ खास तरह के लक्षण देखे जाते रहे हैं, उसे लॉन्ग कोरोना कहा जाता है। ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पर ठीक होने के बावजूद कुछ और तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जिन लोगों में रिकवर होने के बाद कुछ खास तरह के लक्षण नहीं भी रहते, उन्हें भी मेडिकल एडवाइस के साथ कम से कम अगले 12 महीनों तक अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें बरती गई लापरवाही आपके लिए आगे परेशानियां बढ़ा सकती है। दुनिया में हुए अलग अलग रिसर्चों में पाया गया है कि कोविड से रिकवर हुए मरीजों में हृदय संबंधी रोग, टाइप 2 मधुमेह या शुगर, ब्लड क्लॉट्स या खून के थक्के जमना जैसी अलग अलग तरह की बीमारियों से वे ग्रस्त पाए गए हैं। हालांकि ये परेशानी कोरोना से ठीक होने वाले हर मरीज में हो ऐसा कहना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऐसे में अलग अलग शरीर में हाई रिस्क या लो रिस्क की संभावना रहती है। ऐसे में आपको अभी से इसे लेकर सचेत हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसी किसी परेशानी या किसी खास तरह के लक्षण महसूस कर रहे हो तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।